नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी। आज मैं अपनी मदर के साथ योगा रूम में आई हूँ एंड योगा रूम में आने के बाद मैं मास्क निकाल कर कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। बातचीत ये है कि मैं जानना चाहती हूँ मेरी माताश्री से कि माताश्री, आपने मेरा, इधर आओ, भाग गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल आपको नहीं पूछूंगी जो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है? मुझे पता है आपने मेरा वीडियो देखा, मोदी जी वाला। वो देखा? आपको क्या लग रहा है कि मैं सच में रो रही हूँ कि मैंने ग्लिसरीन डाली? नहीं, है नहीं, आप सच में, यू आर, आई वाज क्राइंग, या आई वाज रियली क्राइंग, या यू आर रियली क्राइंग। हाँ हाँ बेटा, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मैंने ग्लिसरीन डाला था, नो नो दैट इज ऑल रॉन्ग। तो अगर मैंने ग्लिसरीन डाला था तो मैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हूँ, तो मुझे फिर नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर मैं रियल रो रही थी तो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मुझे एक्चुअली रोना आया विद लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? देखो मम्मा, मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप धृतराष्ट्र हो। आपको पता है कौन कहता है आप धृतराष्ट्र हो? कौन कहता है? नो नीड टू से। तो आप धृतराष्ट्र नहीं हो, आप ऑब्वियसली सूझबूझ रखते हो, आप एक बहुत पढ़े लिखे टीचर हो, आपने बहुत सालों तक काम किया है सेंट कबीर स्कूल में, एंड आपकी एक समझ है, आप ऑब्वियसली जान सकते हो कि क्या सच है क्या फेक है। तो मेरा वो रोने वाला वीडियो फेक वीडियो नहीं था, नहीं, वो रियल वीडियो था। Oh my God, मेरे real emotions थे। या। वो ग्लिसरीन डाल के मैंने एक्टिंग का सीन नहीं किया। नहीं। पक्का? या, पक्का। Oh my God, वीना। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो हेटर्स थे वो बहुत खुश हो गए ये देख के कि पायल रो रही है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, पायल एक मनुष्य है, पायल के अंदर रोने का रूप भी आता है, पायल के अंदर गुस्से का रूप भी आता है, क्योंकि पायल एक इंसान है। आप लोग तो इंसान ही नहीं रहे क्योंकि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर मैंने ग्लिसरीन लगाकर रोया तो मतलब मैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हूँ या नहीं अच्छी अभिनेत्री हूँ। अगर मैंने रियल आंसू निकाले हैं तो उसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं दर्द हुआ है। तो आप डिसाइड करिए कि मेरा वो वीडियो रोने वाला मोदी जी को ग्लिसरीन वाला वीडियो था या रियल वीडियो था, क्योंकि हम सबको अपना डिसीजन लेने का हक है, हम सबको राइट है अपने खुद के कंक्लूजन्स फॉर्म करने का, एंड दैट राइट नोबडी इज टेकिंग फ्रॉम एनीबडी इन इंडिया। नमस्ते, जय हिंद। और इतना कहना है मेरे सोसाइटी वालों को कि जो लेटर आपने भेजा था, अगर वो लेटर आपका सोचा समझा लेटर था, तो उस लेटर के अंदर आपने लिखा था कि सोसाइटी का कोई लीगल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो फिर चेयरमैन ने बैठ के वो व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट क्यों किया जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं थी? मुझे जानना है, क्या मेरे विचार उनको पसंद नहीं आए? तो वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर दिया, जिसकी वजह से मैं अब अपने विचार नहीं रख सकती उस ग्रुप के अंदर, और मेरे साथ साथ बाकी सब भी नहीं रख सकते अपने विचार उस ग्रुप के अंदर। मगर बाकी सब तो अपने विचार रखते नहीं थे, वो तो भेड़ बकरी थे, भेड़ बकरी, जी हाँ, बाकी सब भेड़ बकरी थे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था तो फिर उसको म्यूट क्यों किया चेयरमैन साहब?